Okay, okay, okay. Very good morning to each and everyone. I hope you guys are doing absolutely well. आप सभी का स्वागत है एक नए मोटो व्लॉग में. और मैं जस्ट नींद से उठा, नहाया हूँ, कुछ खाया नहीं हूँ, ऐसे ही खाली पेट निकल पड़ा हूँ क्योंकि आज बहुत सारे काम है. जैसे कि और एज ऑलवेज काम तो बता दूंगा, बट एज ऑलवेज हम घर से बाहर निकले तब तक, मतलब घर से बाहर निकलने तक बिल्कुल भी बारिश का एक बूंद नहीं था. और जैसे ही घर से बाहर निकले बारिश चालू हो गई है बॉयज. और ठीक है, कोई ना, थोड़ा भीगेंगे, थोड़े मज़े करेंगे, थोड़ी ढंग से गाड़ी चलाएंगे क्योंकि आई डोंट थिंक कि लास्ट व्लॉग में जो हुआ है वो मुझे रिपीट करना चाहिए. थोड़ा ढंग से, तमीज़ से, प्रॉपरली गाड़ी चलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है. थोड़ा लेट जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है. थोड़ा डर लग रहा है कि पूरा ना भीग जाओ, क्योंकि पूरा नहीं भीगना, एक बर्थडे अटेंड करना है हमें. और बर्थडे तो करेंगे ही, मेरे बहन का बर्थडे, सिस्टर का बर्थडे मेरे. उसके बाद हमें जाना है बबलू मोटर्स, या फिर शायद पहले हम लोग बबलू मोटर्स पे जाएं क्योंकि अपनी जो टूटी हुई नंबर प्लेट थी एक्सीडेंट में, वो टूटी हुई नंबर प्लेट अभी तक रिप्लेस नहीं किए. 2 हफ्ते हुए हमको, और 2 हफ्ते मतलब 2 हफ्ते हो गए नंबर प्लेट बन के, नंबर प्लेट बन के वहाँ पे रेडी है. फिर आगे का प्लान कुछ पता तो है नहीं. हाँ, शायद हम लोग आइकिया जाने वाले है शाम को, मतलब आज रात को, मतलब शाम को. अभी थोड़ा रुका था गाइस, चेक कर रहा था कि रिकॉर्डिंग प्रॉपर हो रही है नहीं. अभी निकलते हैं क्योंकि हाँ रिकॉर्डिंग हो रहा है, वॉइस इट्स वेरी गुड. एंड इफ लास्ट व्लॉग की तरह अभी भी कुछ बीटी हो जाती है, लाइक लेफ्ट साइड में सिर्फ आवाज़ आ रहा है, राइट में आवाज़ नहीं आ रहा है, तो दैट वॉज एडिटिंग प्रॉब्लम. थोड़ा सा दिक्कत हो गया था एडिटिंग में. आई गेस अपना एडिटर नया है तो उसे नहीं पता था मोनो और स्टेरियो वो सब अलग अलग होता है चीज़ें, वो करनी पड़ती है, बट वो कर देंगे. अगली बार से मैं खुद ध्यान रखूँगा इन चीज़ों पे. मैंने हेडफोन्स पहन के व्लॉग सुना, उसने बताया भी था मुझे, बट मैंने सोचा कि लेट्स सी इस पे कोई अलग सोल्यूशन रहेगा. फिर मैंने सोल्यूशन ढूंढा तो वो अलग चीज़ निकल के आई. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, होता है कभी कभी, ऐसे बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है दोस्तों. तो सेनोरिटा, आगे का नज़ारा देखो, वॉट अ लवली व्यू इट इज़. क्या पहाड़ है, क्या कायती डोंगर, कायती झाड़िया, कायती नदी. ओके बढ़िया है, गणपति बप्पा मोरिया. अभी मैंने व्लॉग्स पे बहुत सारे कमेंट्स देखे, बहुत सारे बहुत पॉजिटिव कमेंट्स थे. और एक कमेंट ऐसी थी उसमें कि भाई एक सपना है मोटो व्लॉगिंग का, मिडिल क्लास लड़के मोटो व्लॉगिंग नहीं कर सकते, इस चीज़ के लिए पैसा लगता है ये वो. तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ गाइस, मैं भी कोई बड़े बाप की औलाद नहीं हूँ, हम लोग सब लोग मेहनत कर रहे हैं. मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ. और ये जो चीज़ है, जो गोप्रो है, ये हेलमेट हुई, ये बाइक हुआ, ये बहुत मेहनत करने के बाद ये मैंने बाइक ली है मेरी. और ये मैंने मेरे खुद के पैसे से ली है बाइक. मुझे बहुत प्राउड फील होता है ये बाइक मैंने ली है. और ये एक फीलिंग है, बहुत अलग सी फीलिंग है. और ये मोटो व्लॉगिंग कोई बड़ी चीज़ नहीं है दोस्तों, ये कर सकते हैं, बस उसके लिए थोड़ा सा फोकस होना ज़रूरी है. पहले तो काम करो, इतने स्टेबल हो जाओ कि हाँ चलो ये पैसे अगर यहाँ पे इन्वेस्ट हो रहे तो वेस्ट नहीं होंगे, ये एक हॉबी हो जाएगी. और दूसरी चीज़ ये है कि इस चीज़ के लिए टाइम बहुत कंज्यूम हो जाता है. और हम लोग का कुछ नहीं, चलो हम अभी जो ऑफिस, कुछ लोग हैं ऐसे जो ऑफिस जाते हैं और अलग अलग चीज़ें करते हैं, बट वो राइड पे भी जाते हैं सैटरडे संडे. उन लोग को बहुत सल्यूट है भाई कि वो हॉबी और अपने काम को भी रिस्पेक्ट करते हैं. बहुत प्यार आता है उन लोगों पे, बहुत बहुत रिस्पेक्ट है उनको. मैं एक चीज़ आपको और एक शेयर करना चाहूँगा गाइस कि अभी अब भी जो हम सपने देखते हैं ना, और जब हम वो कंप्लीट करते हैं ना, तो वो छोटे लगने लगते हैं सपने, लिटरली छोटे लगने लगते हैं सपने. ये मैंने खुद ने नोटिस किया है कि NH 200 ये मेरा बहुत बड़ा सपना है और ये मेरा प्यार है, बट NH 200 आई मुझे, मैंने अभी इस गाड़ी को दो साल हो जाएंगे मेरे पास, 2-3 साल हो जाएंगे आई गेस. और अब जाके मुझे ये समझ में आ रहा है कि NH 200 तो प्यार है, बट और गाड़ियां हैं लाइफ में,
और बड़ी चीजें हैं लाइफ में जो आगे आएंगी और वो भी अचीव करनी है और वो करेंगे। मेरी आज एक बीटी हो गई है बहुत बड़ी कि मेरा बलकलावा जो है मैंने कहीं पे घुमा दिया है। तो हमें दो तीन चीज़ें लेनी है बबलू मोटर्स के शॉप से, बलकलावा और नंबर प्लेट और आई गेस मिरर्स, क्योंकि एक मिरर बहुत ज़्यादा लूज़ हो गया है तो रिप्लेस होगा तो मोस्ट प्रॉब्ली रिप्लेस करवाएंगे, अगर नहीं होता है तो नया ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यस यही है, चलते हैं। ये दुए ने हैरानी लाई है और हम लोग गाइस वापस आ चुके हैं हमारे मेतला, हमारे मतलब मेरे फेवरेट रोड पे जिसका नाम है पाम बीच। ये मुझे पता नहीं, मुझे ये रोड इसलिए नहीं पसंद है कि बट भगाने मिलते हैं नहीं, इस रोड पे ना ट्रक अलाउड नहीं है और ट्रैफिक नहीं रहती है और ये रोड सीधे मंदिर तक पहुंचा देता है 60 की स्पीड अपन अभी मेंटेन करते हैं, ठीक है, ये 40-50 और मेंटेन। अभी देखते हैं कि अगर अगला सिग्नल छूटता है ये 60 की स्पीड पे तो ये जो मिथ है या फिर ये ट्रूथ है वो देखेंगे, मिथ है या ट्रूथ है। वहाँ तक पहुँचने तक आई गेस ग्रीन सिग्नल हो जाना चाहिए तो है, बट या लेट्स गो। हो गया, दिस इज ट्रूथ कि अगर एक लिमिट में स्पीड में अगर आप पाम बीच पे गाड़ी चलाते हो तो सारे सिग्नल अपने आप छूटने लगते हैं। जैसे कि हमने अभी 60 की स्पीड मेंटेन करी और सिग्नल छूट गया, यही ये रोड का मुझे यही पसंद है कि आराम से चलाओ, ढंग से चलाओ भाई, कोई सिग्नल नहीं है, कोई सीन नहीं है, बट हम ट्रैफिक को चीरते हुए जाएंगे क्योंकि अगर ट्रैफिक हो तो काहे की 60 की स्पीड और काहे का सिग्नल, सिग्नल छूट गया तो भी ट्रैफिक अगर होगी तो दिक्कत हो जाएगी भाई लोग। ये रोड पे बहुत ठंडा ठंडा फील हो रहा है बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी होने वाली है बारिश, क्योंकि यहाँ तक था ऐसा सूखा सूखा सा रोड था और ये हो गया है गीला गीला रोड चालू, मतलब नवी मुंबई में बारिश हो रही है यार। और ये रहे सारे लोग खड़े यहाँ पे। गाइस रुकना था बट मैं रुका नहीं हूँ क्योंकि मुझे पहुँचना भी है और रिटर्न भी पहुँचना है, तो इसलिए मैं नहीं रुका हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं लेट हो जाऊँ दोनों चीज़ों के लिए। लुक एट दिस ब्यूटीफुल मशीन अपाचे 310R, बहुत अच्छी लगती है गाड़ी और साउंड नोट भी उसका बहुत प्यारा आता है। अरे यार ये देखो यार, गाड़ी देखने नहीं दी इन दोनों ने मुझे, ठीक है चलो। गाइस हम लोग एट दी एंड पहुँच ही गए बबलू मोटर्स के शॉप के, मतलब अभी तो पहुँचे नहीं है, यहाँ से यू टर्न लेके साइड में जाना है। भाई साहब जाने दो, 5 सेकंड बाकी है, प्लीज जाने दो। ओके यहाँ पे दिया अपने नंबर प्लेट, बन के रेडी है, बस लगवानी है निकलना। चलो गाइस यहाँ से अपना काम हो चुके हैं, नंबर प्लेट लगाई है बट मैं आपको दिखा नहीं सकता, उसके पीछे रीज़न ये है कि नंबर प्लेट है भाई, वो वैसे तो देख ली होंगी बहुत लोगों ने कहीं से ना कहीं से, बट अब जो है वो है। सिग्नल छूटने का टाइम हो गया, ये इनको कैसे पता चलता है मुझे नहीं पता, ऑटो वालों को कैसे पता चलता है, बट इनको पता चल जाता है कि अभी सिग्नल छूटने वाला है। देखो सब लोग ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, लेट्स गो भाई। किड्स तो सीन है, यहाँ पे नंबर्स तो दिखते नहीं है बिल्कुल भी, क्या भाई ये टाइम पे सिग्नल छूटने वाला है, बट जो भी होता है दिख जाता है यार, इनको समझ जाता है, शायद गिनते हैं ये, पता नहीं किसी को पता हो ये कैसे होता है तो मुझे बताना ये टेक्निक ज़रूर, सामने वाला सिग्नल छूटा है तब तक निकल जाते हैं। और यहाँ पे घूमने के लिए ना बहुत मज़ा आता है क्योंकि ये अपना शहर है भाई, ये अपना शहर है जहाँ पे हम पले बड़े बड़े हुए, मचाए, मार खाए, मतलब मम्मी पापा का मार दिए दोस्तों को। ये हमारा गावदेव मंदिर झूगा का वाशिका, और ये है ये पेट्रोल पंप, बहुत मतलब ये बहुत टाइम से पेट्रोल पंप है, बहुत प्यारा पेट्रोल पंप है। इससे होता है शूट, अगर हम कहीं पे ठुक जाते तो ये इससे समझता है कि हमारी गलती थी क्या सामने वाले की। फोटो नहीं वीडियो, वीडियो आता है अगर कुछ हुआ तो, इसमें रिकॉर्ड होता है या फिर यूट्यूब पे दिख जाता है। गाइस अब मैं दिखाता हूँ मेरी गली, गली मतलब हमारा नाका,
बहुत लोग एक ऊपर करने के बहुत लोगों को पता होगा, बहुत लोगों को नहीं पता होगा। तो ये है हमारा नाका, ऊपर खेरने नाका, और यहाँ पे भीड़ माँ कसम रहती है। मैंने जानबूझ के यहाँ से गाड़ी डाली है दिखाने के लिए, बस बाकी कुछ नहीं। घी भीड़ 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 ओ, 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 भीड़ 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 ओनली भीड़, सिर्फ भीड़ है यहाँ पे, बाकी कुछ नहीं। ये अलग ही वाइब है रे नाका हमारा, कुछ अलग ही वाइब है, मज़ा आता है यहाँ से जाने के लिए भी। और मैं स्पेशली यहाँ से धतिंग करने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि कोई ना कोई पहचान का तो दिख ही जाएगा अपने, मतलब दोस्त। हाँ वाह, ये देखो गाइस, बुरी किस्मत इसे बोलते हैं। जस्ट शूट चालू किया, और ये हो गई बारिश शुरू, और वो भी बहुत भयंकर बारिश शुरू। ये कोई बात हुई यार? अबे यार ये गलत है, कम हो गई। ये भी कोई बात होती है करने की गाइस। चलो बारिश भी चालू है, सुमड़ी में निकल जाते हैं, क्योंकि अपने को एक जगह पे पहुंचना है, घर पे मतलब बूट कैंप पे, और वहाँ से भी एक जगह पे जाना है, और ये व्लॉग बहुत बड़ा होने वाला है, ऐसे मेरे को फील तो आ रही है। हटाओ जल्दी यहाँ से, हटाओ। पब्लिक को हटने का नाम ही समझ में ही नहीं आता, हटो भाई, जाने दो यार। और थोड़ा शॉर्टकट्स एंड ऑल्स लेके जाते हैं। आई डोंट थिंक कि अपने को कुछ काम है अभी, और सारे काम तो हम लोग ने कर लिए जो करने थे, तो अभी सुमड़ी में शॉर्टकट्स एंड ऑल्स एंड कल्टेस्ट, लेट्स गो। डायरेक्ट पाम बीच निकलते ना, सबसे बेस्ट है वो, इधर उधर घूमने से अच्छा। और मेरे को पता है कि क्या हो रहा है, मैं भीग कहीं से भी नहीं रहा हूँ ना, ऊपर से तो चलो जैकेट है, नीचे से भीग नहीं रहा हूँ, क्योंकि वो बाइक का ये जो है ना, ये पार्ट, ये टाकी का पार्ट, वो मुझे बचा भी रहा है थोड़ा सा, लेकिन थोड़ा सा भीगा रहा है। बारिश फिर से बढ़ गई यार, हट, मैं नहीं चला रहा गाड़ी अभी, रुको। नहीं, अभी नहीं चलाना है गाइस। गिन के मतलब एग्जैक्ट गिन के 30 सेकंड बारिश हुई है, 30 सेकंड, 30 भी नहीं हुई है, 15 ही सेकंड हुई रहेगी। मैं उतरा, जाके खड़ा रहा और फटक से आके बैठ गया। नको मला बंगला नको गाड़ी पाई जे, राजा मला नवारी साड़ी पाई जे। कैमरा का झटके मार रहे हैं, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ, हो नहीं रही है, रुको जरा देखे। कुछ नहीं गाइस, तो एक फाइल का इश्यू हो गया था कुछ, तो बस वही सीन था कुछ, तो एक फाइल करप्ट हो गई थी, वो फाइल को रिपेयर कर रहा था GoPro अपने आप रिपेयर कर रहा था। सही है यार, चलो अभी, और वी आर ऑलरेडी लेट, गालियां तो पड़ने वाली है बूट कैंप जाके, क्योंकि जाना है सबको बाहर। फायदा गैपा मारो, गैपा कैसे गैपा मारो, ऐसे, ताकि आगे जाने के लिए हमें रास्ता मिले अपने आप। कोई टेंशन ही नहीं है ना कि ये इधर से निकालो गाड़ी, उधर से निकालो, इंडिकेटर देखो, ये वो करना, गैप मारो और निकलो बे, अखा रोड मुकड़ा है, रास्ता खुला तो है बट आगे गाड़ियां है। सोचते रहो, एक स्प्रिंट मारो, लेट्स सी, देखते हैं। पूरा खुला है, 120 टच करके आते हैं, बस 120। बस, मेरी बेबी बहुत भाग रही है, मेरी बेबी बहुत ज़्यादा भाग रही है आराम से। वैसे मैं एक मेजर अपडेट देना भूल गया कि अपनी गाड़ी जो मॉडिफाई होने वाली है, अगर उस चीज़ का आपको व्लॉग चाहिए या फिर उस चीज़ की आपको वीडियो चाहिए कि किस तरह से और क्या क्या मॉडिफिकेशंस किए, तो एक बार कमेंट्स में बता देना कि हाँ भाई हमको चाहिए ये वीडियो, ताकि मैं वो वीडियो बना सकूँ।
नहीं तो फिर मैं गाड़ी दे दूंगा और फिर मैं आप वहाँ पे फिरकूंगा ही नहीं कि गाड़ी में क्या चेंजेस हुए हैं क्या नहीं हुआ। अगर दिखेंगे नहीं आपको तो आपको भी मज़ा नहीं आएगा। तो आप मेरे को एक बार बता देना कि अगर उस चीज़ पे आपको वीडियो चाहिए क्या नहीं। और टायर चेंज होने वाले दोनों भी बड़े लगने वाले, दोनों टायर बड़े लगने वाले, बहुत सारी मॉडिफिकेशंस है। अगर उस चीज़ पे आपको वीडियो चाहिए तो बता देना ज़रूर से कमेंट्स में। ओके चलिए तो लगभग हम 15-20 मिनट में पहुँच ही जाएंगे गाइस। अभी व्लॉग की संगता तो नहीं करेंगे अभी, मतलब व्लॉग अभी तो ख़त्म नहीं करेंगे। मैं तो अभी वो अपने को जाने का बाहर, वो भी GoPro से ही शूट करना चाहता हूँ। तो या मैं अभी ये यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग यहाँ पे रुकते हैं, मतलब वो मोटर व्लॉग हाँ। और नॉर्मल लेवल पे आएंगे, गाड़ी में बैठ के व्लॉग शूट करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम जा रहे हैं टेबल लाने। नहीं सारू साल गाइस, तो अभी जस्ट हम लोग, मैं मतलब वो व्लॉग तो शूट अपन जो किए वो कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं जा रहा हूँ अभी नोबिता, मैं डाकू और डेविल, नहीं नहीं जाने दे। तो हम लोग सब लोग एक साथ जा रहे हैं अभी आइकिया। तो आइकिया से मुझे लेना है टेबल, डेविल को लेना है टेबल, इसको जाने का है अपने हितेश भाई के पास, और इसको लेना है मॉनिटर। और वो कौन सा मॉनिटर है वो शायद उसकी अनबॉक्सिंग वीडियो बनाए नहीं बनाए, वो आलसी है, वो उसका उसका देख लेगा। आइएगा बनाऊँगा हाँ। तो हम लोग अभी निकल रहे हैं, बहुत टाइम हो गया। डेविल अभी भी बाहर आने का नाम नहीं ले रहे हैं, वो वॉशरूम में गए, क्या कर रहे हैं पता नहीं। एक मिनट से ज़्यादा तो लगता नहीं है सुसु करने के लिए, 3 मिनट से ज़्यादा शीशी करने के लिए, बट साला 15 मिनट से अंदर ही है, क्या कर रहे हैं पता नहीं। पर ठीक है चलो, जो भी कर रहा हो सही हो, बस सुखरूप हो, कमोड में मुँह ना गया हो, आ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो हम तीनों निकल जाएंगे। और फाइनली वी आर हियर गाइस। मैं बहुत थका हुआ था ऑलरेडी, आ चुके हैं वापस आइकिया में। और गैंग 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 गैंग, चलो जो शॉपिंग करनी है वो 2 मिनट का काम है, शॉपिंग का इतना बड़ा काम नहीं है। और जो नोबिता का मॉनिटर लेना है वो लेने जाना है फिर से, क्योंकि जाना ही है, क्योंकि मॉनिटर लेना ही है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होने वाली है ना। क्या जो मेन चीज़ लेनी है वो यहाँ है, लेकिन लड़के हमारे ना इधर तो भी घूम रहे। अभी यहाँ पे वो टेबल कहाँ है एग्जैक्ट मुझे नहीं मालूम, शायद उस साइड है, इस साइड है, इस साइड है डाकू जी, उस साइड शायद। और डाकू जी को कुछ तो भी लेने का है शायद, अभी कुर्सी देखो बाबा 58 पे करना पड़ेगा लगता है लाइट की वजह से। डिवील सर आप यहाँ पे क्यों बैठे हो? मैं कस्टमर्स को बता रहा हूँ डिटेल में कि टेबल कैसा है। देखो तुम इतना भी ये करोगे, इस पर कुछ भी सामान रखोगे फिर भी ये टूटेगा नहीं, वाकेगा टूटेगा बिल्कुल नहीं, ये इतना मजबूत है। ये कहाँ से मंगाया पता है? वियतनाम। वो देखो पिक्चर शूट चल रहे हैं, इसका तो कुछ अलग ही लेवल का चल रहा है। लेयर दिख रहे हैं, हमारे कारागिर ने खुद बैठ के बनाया 4 घंटे में, एक के ऊपर एक फेविकॉल लगाने का, ऊपर रखने का, फेविकॉल लगाने का, ऊपर रखने का, वजन दे रहा था ना बैठ के, लगाने के बाद फेविकॉल सूख रहे थे, फूंक मारता था मैं ऐसा दूर से। ये सिर्फ 10,000 रुपए का है। अरे बट मुझे एक बात बता, अपना टेबल है कहाँ पे? 290 रुपए उसकी कारागिरी है। अपना टेबल किधर है? मटेरियल अपना टेबल अपना टेबल अपना टेबल नहीं मिलता भैया। ये डाइनिंग टेबल लिए हम लोग ने, लेकिन हम लोग को लग रहा था बहुत दिनों से कि हम लोग हाँ हम लोग बहुत बादशाह गेमिंग टेबल यूज कर रहे हैं। ये देखो डाइनिंग टेबल है, बट ठीक है। और हम ढूंढ रहे हैं किधर पता है इसको, गेमिंग टेबल को गेमिंग के सेक्शन में ढूंढ रहे थे। ठीक है चलो मिल गया फाइनल, पर यही टेबल पे ऑर्डर प्लेस करके आ जाओ। जो जरा भी झूठने बोल रहा हूँ, जाइए नींद, पर इन लोग ना फुल टाइम पास चल रहा है, फुल टाइम पास, इतना टाइम पास मैंने मेरी ज़िंदगी में नहीं देखा। वो देखो ये देखो इसका 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 कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। मैं इरीटेट हो गया इन चीज़ों को, अभी मैं जाके गाड़ी में सो जाता हूँ शांति से। वो बच्चे की तरह खिलौने से खेल रहे यार। ए नोबिता वो हैंगर्स जा 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 करा मस्ती करा तुम्हें कैसे कैसे ऑटोमेटिक है याला विकत घेतलाय मी चल हैंगर वर याला मजा आया ये बात ये बात के के सिस्टम सिस्टम
दोस्तों देखो कितना मेहनत करना पड़ता है यार। उठा हेवी है रे मन करी हेवी है इसका बोल ये है कुछ नहीं भाई मेहनत करनी पड़ रही है बस बाकी कुछ नहीं सिस्टम हो गया सिस्टम हैंगर वगैरह हो गया बाकी कुछ लेना है क्या लेने क्या लेना है तीन टॉवेल लेने सुबह एक सब शाम को एक दोपहर को एक ओके चाबड़ाक चाबड़ाक ये जाने वाले चाबड़ाक चाबड़ाक दोस्तों नोबिता ने पासवर्ड देखो क्या रखा है तेजाई जी जी नोबिता ये पासवर्ड नोबिता पासवर्ड मेरे को डेविल जी ने बोला कि ये पासवर्ड रख मतलब फटाफट याद आ जाएगा अब क्या करोगे नोबिता अब तो ये व्लॉग में चला जाएगा खत्म राम राम भाई हो राम राम भाई हो राम राम चलो पैसे निकालो ये फायदे ना मुझे ऐसा ग्रिप ना तेरा कुछ जोड़े ना रोम रोम 717 वाट रोम रोम भाई ये रोम रोम ये देखो दोस्तों ये पढ़ाई कर रहे हैं अभी कितना किलो का है क्या करने का है बाप रे कितने देवी यू आर सो स्ट्रांग तुमने चुटकी के माँ के हाथ के लड्डू खाए थे क्या नहीं चुटकी के माँ के हाथ के नहीं चुटकी ने बनाए थे टुनटुन मौसी के लड्डू खाए थे क्या तुमने मौसी तो अच्छी है बाबा कैसी है मस्त है दोस्तों ये इतना भीख मंगा है ना इसको 500 रुपए डिस्काउंट मिलने वाला था लेकिन डिस्काउंट तो होगा डिस्काउंट मिलना चाहिए ना न्यू आईडी था तो दिया 500 रुपए डिस्काउंट फालतू साल अच्छी भिखारी अरे मग मी तिला बोलो का न्यू आईडी मी आताच क्रिएट केली आता मग तिने जर क्रिएट केली असती तर मग दिला असता तू मला तिकडेच बनवायला लावली आता तिला कसं माहिती नाही इसको कुछ नहीं आता दोस्त कुछ नहीं कुछ नहीं क्या लगता तुमको गलत किया ना इतने भीख मंगा 500 रुपए डिस्काउंट छोड़ा है 500 रुपए इससे लेने के अभी सिस्टम 500 रुपए ऑलरेडी कट गए रिएक्शन देखने हैं मुझे बोर्ड है उसका दिमाग जाता है खाना तो गोड़ गोड़ खा रहे सुविता ये खड़क है रेड वेलवेट चांगला एक गोड पण ठीक आहे ते टाळून माहिती का असंच होतं टाळूला टाळूला मग तिखट खायची इच्छा आली आता काय तरी लवकर मग कुरकुरे पाहिजेत कुरकुरे ठीक होता तो यामाहा आर थ्री देखो ये लगती है ऐसे बेसिक बट वहाँ पे जो बनी है ना ये बेसिक है ठीक है R3 और ये जो मैट करी है भैंस की आँख ब्लैक और ये जो लगा है फक ब्रो क्या लग रही है नाइस वन अरे थी R3 है ये R1 है R15 बे क्या लगा है यार क्या लग रही है गाड़ी की क्या लग रही है गाड़ी भाई जबरदस्त यार सुपर यार दिस इज R3 मैं पहली बार देख रहा हूँ R3 मतलब सामने बट क्या लग रही है ये जो करी है ना पूरी मैट ब्लैक बहुत सेक्सी लग रही है ऐसे तो नहीं दिखेगी तुम लोगों को बट सेक्सी लग रही है नंबर प्लेट भी नहीं है गाड़ी का साइड में नंबर प्लेट है बट दिखा नहीं सकते ओके सो गाइस दैट वाज इट फॉर द डे और अभी आए हम घर पे और नहाया हूँ जस्ट अभी स्ट्रीम करने बैठूंगा उससे पहले खा लेता हूँ तो अगर वीडियो और व्लॉग मतलब दोनों जो कॉम्बिनेशन है वो अगर व्लॉग और मोटर व्लॉग अगर दोनों भी आपको अगर पसंद आया हो तो मेक श्योर यू गाइस हिट दैट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन और ऐसा ही प्यार बरकरार रखिए क्योंकि मोटो व्लॉग्स पे बहुत प्यार आता है आपका मैंने देखी लास्ट व्लॉग में भी बहुत मजा आया और इस बार मैंने वो वॉइस का थोड़ा सा सॉर्टेड किया है लेट्स सी कितना आपको पसंद आता है तो या मिलते हैं
अगले मोटो ब्लॉग में या फिर ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। स्ट्रीम कर लो, स्ट्रीम अगर आपको देखना पसंद है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके बाय बाय। इसी तो अपन गेमर ही है बेसिकली, ये व्लॉगिंग भी बाद में चालू, ये मतलब अभी चालू। And I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to